वाराणसी में एक बार फिर अवैध निर्माण के खिलाफ शनिवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण का बुलडोजर जमकर गरजा। वरुणा नदी क्षेत्र के दो आलीशान होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस होटल पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि यह दोनों होटल वरुणा नदी के 50 मीटर के दायरे में हैं। G+2 का परमिशन लेकर होटल मालिक ने G+5 का निर्माण कराया और साथ ही कंबाइंड प्लॉट का अवैध निर्माण भी कराया गया है। इसको लेकर होटल के मालिक को साल 2016 में ही नोटिस दे दी गई थी, जिसके बाद वाराणसी प्रशासन शासन और हाईकोर्ट से भी उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया था। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस पर करीब 5 घंटे तोड़ने की कार्रवाई की। इस दौरान एक एक कमरे का दरवाजा, खिड़की और बाथरूम तोड़ने के साथ ही अंदर के डिजाइन को हथौड़े से तोड़ दिया गया। वहीं ये कार्रवाई करीब रात के 8 से 9 बजे तक चलाई गई। बता दें कि होटल को 30 से अधिक मजदूर 5 घंटे तक हथौड़े और हैमर मशीन से तोड़ते रहे और अंत में बुलडोजर से बाहरी हिस्सा क्षतिग्रस्त करने के साथ ही VDA ने दोनों होटल को सील कर दिया, साथ ही पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया है। होटल तोड़ने के दौरान संचालक के परिजन लगातार विरोध करते रहे, लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक भी नहीं चली। एहतियातन इस दौरान एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां मौजूद रहीं। पिछले 5 सालों में वाराणसी विकास प्राधिकरण की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं कार्रवाई के दौरान VDA के 120 कर्मी, 150 से अधिक पुलिसकर्मी, जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बताते चले कि छावनी स्थित बुधविहार कॉलोनी में मोहम्मद जाफर अली खान ने भूखंड संख्या 20 पर 142.88 वर्ग मीटर में साल 2012 में 3 मंजिल का आवासीय नक्शा पास करा रखा था, लेकिन पास के भूखंड संख्या 18 और 19 को जोड़कर 6 मंजिल अवैध होटल बनारस कोठी बना दी। वह इस मामले में VDA की ओर से साल 2016 में होटल के मालिक को नोटिस दे दिया गया था। वहीं होटल के मालिक का कहना है कि आनन फानन में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। होटल हमारे पिताजी के नाम से और हमारे भाई के नाम से है। लाइसेंस भी हमारे होटल का पास है। हमारा एक होटल का नक्शा 1999 का है, दूसरे होटल का नक्शा 2012 का है। 2014 में ग्रीन बेल्ट निर्धारित हुई। आपने खुद लिख के दिया कि ग्रीन बेल्ट के अंदर जो भी मकान आएगा उसको अपना उसकी ये कॉपी है, ये जोनल महोदय साहब की है। उसके बावजूद आपने जो है हमको अपना कहा कि नहीं, आप अपना नक्शा नहीं पास होगा कि आपका रेजिडेंशियल है। हमने कमर्शियल कराने के लिए अपना इनके यहाँ दरखास्त में दरखास्त दिया और उसके बाद जो है आज हमारे होटल को तोड़ने आ रहे हैं। कल रात 26 को इन्होंने एप्लीकेशन दिया। रात को नौ बजे इन्होंने हमको 9:30 बजे एप्लीकेशन दिया कि अब आप कोई नई बुकिंग नहीं करेंगे। और अभी यही था, आज होटल तोड़ने की पूरी टीम बना के बाहर खड़े हैं। आपको रात में आदेश प्राप्त होता है पिछली रात में और आज के दिन मतलब यानी अगले दिन तोड़ने का ये आदेश मिल जाता है। वहीं बुलडोजर कार्रवाई के दौरान होटल के आसपास मौजूद होटल के मालिक और परिवार के सदस्य काफी विचलित नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट तक बात रखी। आसपास के बहुत से ऐसे होटल हैं जो ग्रीन बेल्ट में के दायरे में आते हैं, लेकिन सबसे पहले उनके होटल पर कार्रवाई हो रही है। अब मेरी लाइन भी काट दी गई, जबकि मेरी बिल अप टू डेट जमा है, मेरे हाउस टैक्स अप टू डेट जमा है, सारे कागज हमारे पास है, हम आपको दिखा देते हैं। और उसके बावजूद होटल को तोड़ने की, हम ग्रीन बेल्ट में हैं। उस वक्त ये हुआ था ग्रीन बेल्ट में आपका जो है 2014 के पूर्व का नक्शा पास है, इसलिए इसको समनिंग किया जाएगा। आज सरकार माननीय योगी जी ने खुद कहा कि 1,000 स्क्वायर फीट के रेजिडेंशियल अगर जमीन है या मकान है तो उसको कमर्शियल किया जाएगा बहुत ही कम शुल्क के साथ। नक्शा कब पास कराया था? 1999 में। अच्छा। और 2012 में। अच्छा, दोनों होटलों का आपने नक्शा पास कराया। लाइसेंस भी लिया। तो ये जो घटना हो रही है, अब लाइसेंस प्राप्त होने के बाद भी आपको इस तरह की जो घटना रही है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि आपको समय नहीं दिया गया। नहीं, हमको एक तो समय नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ इसलिए उत्पीड़न हो रही कि हम एक साथ अकेले मुसलमान है।
इस ट्रेड के अंदर, इस ट्रेड के अंदर। और हमारे यहाँ हम साल में 12-13 भागवत कथा और शिव पुराण होती है। हम बहुत ही कम पैसे में भागवत कथा शिव पुराण कराते हैं और लोग गुजरात से आते हैं। अभी हमारे यहाँ गुजरात से लोग आए थे, भागवत कथा करा रहे थे, लाइन काट दिया, पानी काट दिया, जिसकी उन लोगों ने नोटिस भी हमको दिया क्या। और लाइन काटना, बिजली काटने के बाद 23 तारीख को नोटिस दे रहे हैं और 21 तारीख को लाइन और पानी काट दिया।